इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे। शर्मा फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में हैं, लेकिन वो सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि रोहित शर्मा इन दिनों सिडनी में दो कमरे के अपार्टमेंट में आइसोलेशन से गुजर रहे हैं। उनका आइसोलेशन पीरियड दूसरे टेस्ट मैच के दौरान खत्म होगा और इसी वजह से वो दूसरे टेस्ट मैच में भी नहीं खेल पाएंगे। हालांकि रोहित शर्मा तीसरे टेस्ट मैच से पहले सिडनी में प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। सिडनी में खेले जाने वाले तीसरे मैच से पहले रोहित शर्मा का एक फिटनेस टेस्ट भी होना है। अगर रोहित उस टेस्ट को पास कर लेंगे तभी वो तीसरे टेस्ट मैच का हिस्सा बन पाएंगे। रोहित शर्मा का तो अभी भी तीसरे टेस्ट मैच में खेलना साफ नहीं है। इसके साथ ही साथ तीसरा टेस्ट मैच सिडनी में होगा, इस पर भी असमंजस बना हुआ है, क्योंकि सिडनी में अचानक से कोरोना के मामलों में इजाफा हो गया है। तो ऐसे में तीसरे टेस्ट मैच को सिडनी की जगह किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाया जा सकता है। हालांकि रोहित शर्मा इस समय क्वारंटीन में है और वो क्वारंटीन के दौरान ही अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। रोहित ने टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले बेंगलुरु के एनसीए में अपना फिटनेस टेस्ट पास किया था। रोहित शर्मा को आईपीएल के दौरान बाएं पैर की हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी, जिसके बाद 19 नवंबर से एनसीए में उनका रिहैबिलिटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था। इससे पहले रोहित की चोट को लेकर काफी बवाल भी मचा था। कप्तान विराट कोहली ने इस मुद्दे पर साफ कहा था कि इसमें क्लैरिटी की कमी है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए लीग मैच के दौरान रोहित शर्मा को हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी। इस चोट की वजह से वो आईपीएल के चार मैचों से बाहर रहे, जिसके बाद सेलेक्टर्स ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुना था। लेकिन इसके बाद बवाल बढ़ने पर उन्हें टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल किया।